गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्रेया है और मैं फैमिली व्लॉग्स बनाती हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। और आज है वेडनेसडे और अब से मैं चालू कर रही हूँ मेरा वेडनेसडे व्लॉग। बहुत कुछ बातें डिस्कस करनी थी आपसे। आज काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, कुछ भी काम, लैपटॉप में काम, घर का काम, कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पता नहीं क्यों, मतलब आजकल मुझे बहुत टायर्ड लगता है। शायद YouTube एक स्ट्रेस दे रहा है मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ YouTube वीडियोस बनाने में। जिन लोगों का फुल टाइम काम है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या हो रहा है ना कि उन लोगों को एटलीस्ट अच्छा सा कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। मुझे इतना काम करने के बाद भी, पूरा कैमरा लेके हर जगह जाने के बाद भी, मेरे व्यूज़ लगभग कुछ लोग हैं जो कंसिस्टेंटली मेरे वीडियोस देखते हैं, लेकिन नए लोग नहीं आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है और रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। खैर, मैं रेवेन्यू के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मेरा वीडियो डायरी है जो मैं अपना लाइफ डॉक्यूमेंट करती हूँ, ताकि रायन जब बड़ा हो जाए वो खुद ये सब देख सकता है कि हाँ, मम्मी डैडी ने क्या क्या किया रायन के लिए। लेकिन जो भी है, तो क्या हो रहा है कि मतलब इंडिया में ना यूट्यूब का रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, अभी मेरा अभी तो बहुत दिन हो गया मोनेटाइज होके, लेकिन मैं आपको अपना इनकम बताऊंगी। 100 व्यूज़ का मुझे सिर्फ 1 सेंट मिला, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 60 पैसे, 60 पैसे। तो मतलब इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, ऊपर से मतलब इतना कम पैसा। तो मतलब कुछ वीडियोस मेरे अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, कुछ फ़न वीडियोस मैं बनाती हूँ, वो पहले दिन ही दिखाता है येलो डॉलर डीमोनेटाइज साइन, पता नहीं क्यों, ताकि वही वीडियोस मेरे बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन फ़न वीडियोस मैं कभी कभी दे देती हूँ, वीक में फ्राइडे को या कभी, लेकिन मेरा जो मेन एम है वो है व्लॉग्स। मुझे व्लॉग्स बनाने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब इट्स लाइक माय पैशन, इसीलिए मैंने चालू किया। मैंने कुछ पैसों के लिए चालू नहीं किया, ठीक है। लेकिन एक होता है ना, आप इतना ज़्यादा मेहनत करते हो, इतना ज़्यादा मेहनत करते हो। मेरा तो चैनल अप्रूव होने के बाद मैं तो ऑलमोस्ट डेली व्लॉग्स बनाने लगी हूँ। हमेशा आइडिया सोचना कि फ़न वीडियोस का नेक्स्ट आइडिया कौन सा होगा, फिर व्लॉग्स में भी शूट करना, एडिट करना, ठीक है, अपना लाइफ को शेयर करना, ये सब ईजी नहीं है। लेकिन यूट्यूब मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा है। कोई आया है, एक सेकेंड। ओह, ऐसे है अच्छा। बाजा करे छो? हाँ, तो वही है कि हाँ, और एक बात था कि मैं जब मेरा चैनल अप्रूव नहीं हुआ था, मैं हमेशा से सर्च करती थी कि 100 व्यूज़ का कितना पैसा मिलेगा यूट्यूब में, ये वो, लेकिन मुझे वो कंटेंट कहीं नहीं मिला। ज़्यादा सब जगह 1000 व्यूज़ होता है, 10,000 व्यूज़ होता है, मिलियन व्यूज़ होता है,
लेकिन अगर मेरा 1000 व्यूज़, 1000000 व्यूज़ ये सब हो ही रहा है, तब तो मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? क्योंकि तब तो मेरा एक स्टेबल इनकम आ जाएगा यूट्यूब से। तो नए यूट्यूबर्स, जिन लोगों को इनकम का आइडिया नहीं है, वही लोग जानना चाहते हैं। तो यही मेरा वीडियो का मकसद है कि मेरा फर्स्ट डे आफ्टर मोनेटाइजेशन मुझे 100 व्यूज़ का 1 सेंट मिला था, तो आप समझ सकते हो। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जो जिस वीडियोस में अच्छे व्यूज़ है उनका ज़्यादा पैसा है, जिन वीडियोस का कम व्यू है वो कम पैसा है, क्योंकि मेरे एक वीडियो में 10,000 व्यूज़ है, उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा कम मिला था, लेकिन एक वीडियो में सिर्फ 100 व्यूज़ है उसमें मुझे ज़्यादा पैसा मिला था। तो पता नहीं ये कैसे रोल आउट हो रहा है या क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है, मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और यही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट, ठीक है, पैसा मैंने इतने दिन फ्री में अपलोड किया है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, पैसा ना भी आए आई डोंट केयर, लेकिन नए लोग तो आना चाहिए ना, जिनको मैं दोस्त बनाऊं एंड मेरे वीडियोस बहुत सारे लोग देखे। वीडियोस पब्लिक करने का क्या मतलब है? नहीं तो मैं प्राइवेट ही कर दूं या फिर अनलिस्टेड कर दूं, बस मेरे फैमिली मेंबर्स ही देखे। तो वही सब मैं सोच रही थी कि पब्लिक करने का क्या फ़ायदा है, ताकि मेरा थोड़ा दूसरे लोग भी मेरे वीडियोस देखे, मेरा इंटरेक्शन हो आप लोगों से। वही तो मज़ा है यूट्यूब का कि डिफरेंट व्यूज़, डिफरेंट इंटरेक्शन। सोशल मीडिया है क्या? इंटरेक्टिंग प्लेटफॉर्म। तो खैर छोड़िए, और जो दूसरा पॉइंट है वो भी है कि हाँ, आप बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेरी मम्मी का हेल्थ कैसा है। तो मम्मी का हेल्थ अभी ठीक नहीं है, ऑपरेशन करवाना ही है, लेकिन क्या है कि पापा तो कुछ कर नहीं सकते। इसका रीज़न मैं आप लोगों से शेयर नहीं की हूँ, कब फिर कभी बताऊँगी। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना, मैं जब कंफर्टेबल हो जाऊँगी तब मैं बताऊँगी। तो इधर मेरे मामा जी को आना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों का भी ऑफिस है, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया कि मैं ही जाऊँगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा अपना स्केड्यूल रीवर्क कर रही हूँ। तो मम्मी को मैंने बोला है कि थोड़ा पोस्टपोन करके, अगर उतना अर्जेंट डॉक्टर से बात करके देखो, अगर उतना अर्जेंट ऑपरेशन नहीं है तो पोस्टपोन भी हो सकता है। तो अभी वो फ़िलहाल दवाई लेके चला रही है कैसे भी। तो मैं सोच रही हूँ, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है, अप्रैल को जाऊँ और अप्रैल में मम्मी को बोलूँगी ऑपरेशन का डेट लेने के लिए। मैं अकेले ही जाऊँगी, अकेले मतलब मैं और रायन जाएंगे, मेरे हबी इधर ही रहेंगे, और मैं थोड़ा रुक के आऊँगी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी, घर आने के बाद भी थोड़ा सपोर्ट की तो ज़रूरत है ही। तो मैं सोच रही हूँ कि 2 महीने उधर रुक के आऊँगी। तो 2 महीने मैं बोल सकती हूँ कि मेरे मम्मी का तबीयत ख़राब है, लेकिन इतना वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन पहले भी हम लोग 2-3 महीने रह चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा ऑफिस में थोड़ा हालत टाइट है। तो मेरे हबी को भी उतना दिन रिस्क नहीं ले सकते, तो वो शायद बाद में ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं तो सोच रही हूँ कि 2 महीने रह के आऊँगी। और ऊपर से एक और टेंशन है रैन के स्कूल का, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। पहले मुझे थोड़ा देखना है कि ये लोग क्या करते हैं, आई मीन स्कूल मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल शेयर विथ यू गाइस। तो वही है, ठीक है अभी। हाँ, एक और प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, आप लोगों को क्या बताओ। टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है, पता नहीं। और हाँ,
इस घर के बारे में भी हाउस मूविंग अपडेट भी देना था आप लोगों को, लेकिन वो मैं किसी और वीडियो में दूंगी, अभी बिल्कुल भी मूड ऑफ है। और हाँ, एक और प्रॉब्लम जो है इस बिल्डिंग में, पानी का बहुत सा, मतलब बेंगलोर में ही पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम पहले नहीं था, तो अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी का। कुछ कनेक्शन में सेंसर का प्रॉब्लम है जो कि कोई भी इलेक्ट्रिशियन ठीक नहीं कर पा रहा है, तो कभी भी पावर नहीं रहता तो पानी बिल्कुल भी नहीं रहता। तो अभी मॉर्निंग से भी पानी, एक होता है ना, आपको समझ आ जाता है कि पानी थोड़ा कम है, जाने वाला है, फड़फड़ करके पाइप में साउंड आता है वैसे, तो वो चालू हो गया। तो चलिए मैं अपना काम शुरू करती हूँ, मैं जल्दी से नहा लूँ, शावर ले लूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा काम करके आज पार्लर जाना है। मतलब इतना भी एक कुछ कुछ दिन होता है ना वेर यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग एंड थोड़ा डिप्रेस सा लगता है, वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। लास्ट टाइम मैं आईब्रो करवाई थी शायद 2-3 महीना पहले, अब जाके आज करवाने का सोच रही हूँ, लेकिन पता नहीं जाऊँगी कि नहीं, या फिर ऐसे ही थोड़ा मिलते हैं बाद में। मैं वापस आ गई सेम प्लेस में, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आज पार्लर नहीं जाऊंगी। एक्चुअली मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, इवन व्लॉग भी करने का मन नहीं हो रहा है, तो आज मैं इधर ही व्लॉग एंड करती हूँ। और मैं सोचना चाहती हूँ, थोड़ा कॉन्टेम्पलेट भी करना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना है, अपने चैनल को कंटिन्यू करना है, या क्योंकि अगर मेरा चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा। मॉनिटरली नहीं, मतलब पता है कि सबको पता है कि इंडिया में यूट्यूब का पैसा बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब इंडिया में ऐसा है कि 10,000 व्यूज़ इंडियन सब्सक्राइबर्स से आना और 1,000 व्यूज़ फॉरेन के सब्सक्राइबर्स से आना, मतलब फॉरेनर्स का रेवेन्यू ज़्यादा होता है कंट्री वाइज, तो वो भी है। तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन लूज़ हो रहा है, तो अभी लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक्चुअली यूट्यूब मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेरे दिमाग में और भी ज़्यादा स्ट्रेस सब चल रहा है, तो ठीक है, डोंट वरी, मैं अपने आप को मोटिवेट कर लूँगी, नहीं तो आप लोग मुझे थोड़ा मोटिवेट कर देना। कभी कभी मैं कभी कभी इंसान जब खुद से फाइट करता है तब दूसरे लोग, जो दोस्त है, जो फैमिली है, वो लोग अगर मोटिवेट करे, अगर साथ दे, तो बहुत कुछ हो सकता है, मूड भी चेंज हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे डिफ़िकल्ट टाइम्स में मेरा साथ मत छोड़ना। अभी व्लॉगिंग का मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ खुशी दिखाओ, जब मैं घूमने जा रही हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं ये भी है कि जब मुझे नेगेटिव थॉट्स या डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं, हाँ, पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी नेगेटिव थॉट्स आए ही नहीं, राइट? पॉजिटिविटी का मतलब है कि जब आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हो, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हो, वही है पॉजिटिविटी अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मे बी आज, मेरे लिए एक दिन काफ़ी है, फिर मैं कल फिर से वापस आऊँगी विद अ बैंग। तो अभी मैं वीडियो को अभी एंड करती हूँ।